वेलकम बैक एवरीवन, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप बहुत बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेस ब्लीच के ऊपर। हमारे पास एक बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप फेस ब्लीच के बारे में बताओ। आपने टॉप फेशियल्स बता दिए, आप टॉप फेस ब्लीच भी हमारे को बताओ ताकि हम बेस्ट फेस ब्लीच ले पाए। तो हम आपकी रिक्वेस्ट पूरी करने के लिए आज आ गए हैं। आज की वीडियो में हम आपको फेस ब्लीच के बारे में ही बताने वाले हैं। फेस ब्लीच एक बहुत इजी तरीका होता है अपने फेस पे ग्लो लाने के लिए। एक अगर पर्सनली मैं बताऊं, जो एक फेस ब्लीच होती है वो फेशियल से ज्यादा ग्लो देती है। इसीलिए कभी भी आप सैलून में जाते हो तो पहले फेस ब्लीच की जाती है, देन फेशियल किया जाता है। फेशियल जो होता है वो फेस ब्लीच का ग्लो एनहांस कर देता है, बढ़ा देता है, बट जो मेन ग्लो देने का काम होता है वो एक फेस ब्लीच ही करती है। फेस ब्लीच जो एक एडेड काम करती है वो ये करती है, वो आपके फेशियल हेयर्स होते हैं छोटे छोटे, उनको लाइटन अप कर देती है, जिसके आपके फेस पे एडेड ग्लो नजर आता है। स्किन टोन को इवन कर देती है, डार्क स्पॉट को मिनिमाइज कर देती है, बेसिकली आपको पार्टी वाला ग्लो दे देती है। अब फेस ब्लीच में इतने सारे ऑप्शन आ जाते हैं तो एक कंफ्यूजिंग सा हो जाता है, हम कौन सा वाला लें कि हमें बेस्ट वाला ग्लो मिले। तो वो रिसर्च हमने की है आपके लिए और आपकी कंफ्यूजन दूर करेंगे आज की वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 8 फेस ब्लीचेस अवेलेबल इन इंडियन मार्केट फॉर इंस्टेंट ग्लो एंड टैन रिमूवल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉप 8 फेशियल ब्लीच की लिस्ट। नंबर 8 जो हमारे लिस्ट में है वो है नेचर्स की गोल्ड ब्लीच, बाय फार द मोस्ट पॉपुलर। आपने ये अपने लोकल मार्केट में जरूर इस ब्लीच को देखा होगा, आपको इंस्टेंटली ही ग्लो देने का काम करती है। ये गोल्ड ब्लीच है और वही काम करती है, गोल्डन सा ग्लो देती है आपके फेस पे। ये मेक श्योर करती है आपके जो फेशियल हेयर है छोटे छोटे वो लाइटन अप हो और साथ साथ आपके फेस पे पूरा ग्लो आए। ये वाला ब्लीच जो एक फॉर्मूला है ये मेक श्योर करता है आपकी स्किन बिल्कुल भी ड्राई ना हो। अगर आप एक लोकल ब्लीच ले लेते हो वो आपको ग्लो तो दे देती है बट आपकी स्किन को इतना ओवर ड्राई कर देती है कि फेस पे ग्लो ही नहीं दिखता। तो ये वाली ब्लीच मेक श्योर करेगी कि ग्लो भी आए और हाइड्रेशन भी बनी रहे। अगर हम कुछ इसके प्राइसिंग की बात करें तो ये टाइनी सा बॉक्स है 48 ग्राम्स का और इसका प्राइस है 70 रुपीज। नंबर 7 जो हमारी लिस्ट में है वो है जॉलन यूएसए की पर्ल ब्लीच। ये वाली ब्लीच बहुत बढ़िया रिजल्ट देती है। कुछ मेन इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसके अंदर डाला गया है क्ले प्लस एलोवेरा। क्ले जो होता है उसमें प्यूरिफाइंग प्रॉपर्टीज होती है, वो मेक श्योर करता है आपकी स्किन से टॉक्सिन्स निकले और आपके फेस पे प्रॉपर ग्लो आए। और एलोवेरा काम करती है हाइड्रेशन की तरफ। अगेन एक बढ़िया ब्लीच है और इसकी मेन खास बात ये एक बहुत माइल्ड फॉर्मूला है, तो अगर आपकी स्किन सेंसिटिव रहती है गो फॉर दिस वन। आपको बढ़िया ग्लो मिलने वाला है फ्रॉम फर्स्ट यूज और आपके फेशियल हेयर्स को भी ब्लीच करेगी, डार्क स्पॉट हटाएगी, टैनिंग हटाएगी, वो तो एक ब्लीच का काम होता ही है। अगर हम इसके कुछ प्राइसिंग की बात करें तो 40 ग्राम्स का प्राइस होता है 115। नंबर 6 जो हमारी लिस्ट में है वो है ओलिविया की हर्ब्स ब्लीच। अगेन एक बहुत पुराना ब्रांड है, बहुत पॉपुलर ब्रांड है। इसके कुछ मेन इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो मेन जैसे इसका नाम है हर्ब्स ब्लीच तो सारे हर्ब्स डाले गए हैं, हल्दी, चंदन, एलोवेरा, लेमन, जो आपकी स्किन पे बहुत बढ़िया ग्लो देते हैं और हाइड्रेशन भी देते हैं। ये वाली ब्लीच मेक श्योर करती है कि कंपैरेटिवली सेंसिटिव रहे। जैसे कुछ ब्लीच स्ट्रांग हो जाती है तो वो हर किसी को सूट नहीं करती, ये एक ऐसी ब्लीच है हर किसी को सूट करेगी। बहुत ही सेंसिटिव फॉर्मूला है, जॉलन भी सेंसिटिव थी बट ये वाला और ज्यादा सेंसिटिव स्किन के लिए। अगर आपको लगता है कि मेरे पे ब्लीच सूट ही नहीं करती, ट्राई दिस वन और आप डिसअपॉइंट नहीं होगे। आपके फेशियल हेयर भी ब्लीच करेगी और बहुत बढ़िया ग्लो देने वाली है। अगर हम इसके प्राइसिंग की बात करें तो 30 ग्राम्स बॉक्स का प्राइस होता है 80 रुपीज। नंबर 5 जो हमारी लिस्ट में है वो है फेम की सैफरन एंड मिल्क वाली ब्लीच क्रीम। ये ब्लीच क्रीम बहुत पॉपुलर है। इसमें दो मेन इंग्रेडिएंट्स होते हैं, एक होता है सैफरन, दूसरा होता है मिल्क। सैफरन का काम होता है बढ़िया सा ग्लो देना आपके फेस पे और मिल्क मेक श्योर करता है कि आपके फेस पे बढ़िया हाइड्रेशन रहे। अगेन एक हेल्दी ग्लोइंग स्किन आपको देने का काम करता है और मेक श्योर करता है कि आपके फेशियल हेयर्स भी प्रॉपर्ली ब्लीच हो और ग्लो भी बना रहे फॉर लॉन्ग लॉन्ग टाइम। ये वाली ब्लीच भी मेक श्योर करती है कि आपकी अगर सेंसिटिव स्किन है तो ग्लो बढ़िया रहे और लॉन्ग रन तक रहे। अगर हम कुछ इसके प्राइसिंग की बात करें तो इसका भी साइज होता है 40 ग्राम्स और इसका प्राइस है 75 रुपीज। नंबर 4 जो हमारी लिस्ट में है वो है सारा की ऑक्सी डीटैन ब्लीच। मैंने बहुत सी वीडियोस में ऑलरेडी बताया हुआ है कि जो ये सारा ब्रांड है ये ओन्ड बाय O3 प्लस है, तो आपको O3 का भरोसा तो साथ मिल ही रहा है। अब ये ब्लीच की कुछ खास बात की अगर हम बात करें तो ये वाली जो ब्लीच है ये हार्डेस्ट ऑफ हार्डेस्ट हेयर को भी ब्लीच कर देती है। अगर आपको ये प्रॉब्लम होती है कि सारी ब्लीच मैंने ट्राई कर ली और मेरे बाल ब्लीच ही नहीं हो पाते, ट्राई दिस वन। ये वाली ब्लीच आपके हेयर्स को फॉर श्योर ब्लीच करेगी। ये वाली ब्लीच एक मिक्सचर है, जेंटल भी है और इफेक्टिव भी है। ग्लो के मामले में नंबर 1 है और टैनिंग भी इफेक्टिवली हटाती है। डार्क स्पॉट लाइटन अप करेगी, टैनिंग हटाएगी, बेसिकली ऑल इन वन का काम करेगी। जो एक ब्लीच काम करती है वो तो करेगी ही करेगी, साथ साथ हार्डेस्ट ऑफ हेयर्स को ब्लीच भी करेगी। इस वाली ब्लीच की अगर हम कुछ प्राइसिंग की बात करें तो 35 ग्राम्स का प्राइस होता है 90 रुपीज। नंबर 3 जो हमारी लिस्ट में है वो है VLCC की इंस्टा ग्लो डायमंड ब्लीच।
अगेन एक पॉपुलर फेशियल्स का ब्रांड है और इसकी ब्लीच भी बहुत बढ़िया है। इसके ब्लीच की अगर कुछ खासियत की बात करें, इसके अंदर आपको मिलता है इतने छोटे साइज में भी प्री ब्लीच क्रीम और पोस्ट ब्लीच पैक, जो कि मेक श्योर करते हैं अगर आपकी स्किन सेंसिटिव भी है तो आप वो प्री ब्लीच वाली क्रीम लगा लो और वो सेंसिटिविटी में भी आपको प्रॉपर ग्लो मिलने वाला है। ये वाली ब्लीच भी आपको बहुत बढ़िया ग्लो देती है, एक डायमंड वाला ग्लो देती है और मेक श्योर करती है कि आपके फेशियल हेयर्स भी प्रॉपरली ब्लीच हो। बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर है और येट इतना हैवी नहीं है कि आपको कुछ हैवीनेस फील हो। ये वाला मॉइस्चर भी प्रॉपरली बैलेंस करती है और VLCC सब जानते हैं एक बढ़िया फेशियल्स का ब्रांड है, तो इसकी ब्लीच भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करने वाली और बढ़िया ग्लो देने वाली है, इसीलिए आती है नंबर 3 हमारे लिस्ट में। और अगर हम इसके प्राइसिंग की बात करें तो 35 ग्राम्स ऑफ पैक का प्राइस है 85 रुपीज। नंबर 2 जो हमारी लिस्ट में है वो ऑक्सीलाइफ की क्रीम ब्लीच। अगेन आपने उम्मीद है बहुत देखी होगी अपनी लोकल मार्केट में, बहुत बढ़िया ग्लो देने का काम करती है। और ऑक्सी ब्लीच जो दिमाग में सुन के आता है, ये एक सेंसिटिव स्किन के लिए ब्लीच है, तो ये ब्रांड मेक श्योर करता है कि प्रॉपर सेंसिटिव स्किन का फॉर्मूला हो और प्रॉपर ग्लो दे। इस ब्लीच में एक चीज और आती है, पोस्ट ब्लीच का सिरम आता है जो कि ग्लो एनहांस करता है और लंबे समय तक उसको मेंटेन करता है, जो कि बाकी ब्रांड्स ऑफर नहीं करते, तो ये एक एडेड एडवांटेज है इस ब्लीच क्रीम का। अगर मैं ऑनेस्टली बोलूं अफोर्डेबल में बेस्ट आपको लेनी है तो इससे बढ़िया आपको नहीं मिलने वाली। सस्ती भी है, बढ़िया भी है, इजिली अवेलेबल भी है। आपको एक बार सूट कर गई तो इजिली आपने जाना है अपने पड़ोस वाली दुकान पे और आपको आराम से मिल जाएगी। अगेन आपके हेयर्स भी ब्लीच करेगी, ग्लो भी देगी, टैनिंग भी हटाएगी, स्किन टोन इवन भी करेगी, एक वो प्रॉपर काम करेगी जो एक ब्लीच से आप उम्मीद करते हैं और मेक श्योर करती है आपकी स्किन को बिल्कुल भी डैमेज ना करे। अगर हम कुछ इसके प्राइसिंग की बात करें तो 27 ग्राम्स ऑफ पैक का प्राइस है 85 रुपीज। एंड फाइनली नंबर 1 जो हमारी लिस्ट में है वो है O3 की डी टैन ब्लीच। एक मेलाडर्म डी टैन ब्लीच है, इसके अंदर डाला गया है विटामिन सी फॉर द एडेड ग्लो। ये वाली ब्लीच नंबर 1 पे इसलिए भी है बिकॉज इसका फॉर्मूला सबसे अलग है। इसका टेक्सचर है जेल बेस्ड, बाकी ब्रांड्स आपको देते हैं क्रीम वाला टेक्सचर, ये देता है जेल वाला टेक्सचर, तो आपको ग्लो ज़्यादा मिलने वाला है इस ब्लीच में और टैनिंग हटाएगी पहले यूज में। और O3 सब जानते हैं फेशियल्स में नंबर 1 ब्रांड है और इसकी ब्लीच भी बहुत कमाल की है, इसीलिए ये नंबर 1 है हमारी लिस्ट में। इसका प्राइस थोड़ा हाई रहेगा बाकी के मुकाबले बिकॉज आप सब जानते हैं O3 प्लस एक प्रोफेशनल ब्रांड है, बट खैर अगर आप एक्स्ट्रा पे करते हो तो एक्स्ट्रा ग्लो भी आपको मिलता है। ये वाली ब्लीच भी आपको प्रॉपर ग्लो देने का काम करती है, टैनिंग हटाती है, स्किन टोन इवन करती है, मेक श्योर करती है आपका ग्लो लंबे समय तक बना रहे और आपको जो फेशियल आपने कराया है उसका रिजल्ट बाकियों को नजर भी आए। जब आप ये वाली ब्लीच करोगे तो सामने वाला नोटिस करेगा कि कुछ डिफरेंस दिख रहा है इसके फेस में। तो अगर आप चाह रहे हो कि मुझे वो वाला ग्लो मिले, कि पार्टी वाला ग्लो, स्पेशल वाला ग्लो, तो O3 की ब्लीच आप ट्राई करो, आपको बहुत पसंद आने वाली है। अगर हम कुछ इसके प्राइसिंग की बात करें तो ये एक ही साइज में आती है जो कि होता है 96 ग्राम्स का और इसका प्राइस है 499 रुपीज। तो ये थी हमारी वीडियो टॉप 8 फेशियल ब्लीच के ऊपर। एक चीज हम आपको पहले बता देते हैं, ये जितनी भी ब्लीच होती हैं इन सब के अंदर होता है थोड़ा सा केमिकल, तो आपने पैच टेस्ट जरूर करना है बिफोर यूजिंग इट ऑन योर फेस। पैच टेस्ट बेसिकली होता क्या है, आप अपनी कोई भी हार्ड स्किन में, जैसे आपका हैंड हो गया, आपकी फीट हो गई, वहां पे हल्का सा पैच टेस्ट कर लो ताकि आपको पता लग जाए ये वाली ब्लीच क्रीम आपको सूट कर रही है। अगर आपको कोई एलर्जी वगैरह नहीं होती तो आप प्रोसीड कर सकते हैं अपने फेस की तरफ और आपको प्रॉपर ग्लो मिलेगा और कोई एलर्जी नहीं मिलेगी। अब बात आती है फेस ब्लीच आपको करनी कैसे चाहिए। फेस ब्लीच में आपको टोटल 2 चीजें मिलती है, एक मिलता है ब्लीच क्रीम, दूसरा मिलता है एक्टिवेटर। दोनों को मिक्स करके यूज किया जाता है, बट आपने एक चीज मेक श्योर करनी है, एक्टिवेटर आपने ज्यादा नहीं डालना, 5:1 की रेशियो होती है। अगर आप इतनी मतलब 5:1 रेशियो आपने मेंटेन रखनी है, अगर आप क्रीम ले रहे हो तो मेक श्योर करो एक पिंच ऑफ एक्टिवेटर हो। ज्यादा डालोगे तो वो आपकी स्किन को नुकसान भी दे सकता है, कम डालोगे तो उसका सिर्फ ये नुकसान होगा कि आपके फेशियल हेयर ब्लीच नहीं होंगे बट ग्लो पूरा आ जाएगा। तो अगर आप फेशियल हेयर ब्लीच करना चाह रहे हो तो एक्टिवेटर की क्वांटिटी रहेगी थोड़ी ऊपर, बट अगर आपको सिर्फ टैनिंग हटानी है तो एक्टिवेटर आप कम कर सकते हो, वो आपको हेल्दी ग्लोइंग स्किन भी देगा और आपकी स्किन को बिल्कुल नुकसान भी नहीं देगा। जो भी ब्लीच आपको इनमें से पसंद आई हो वो सब हम आपको डिलीवर कर देंगे आपके डोर स्टेप पे। ऑर्डर की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां जाके चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। हम आपसे मिलते हैं बहुत जल्दी अगली वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज योर होस्ट रोहित सचदेवा, गुड बाय।